मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर मेलानोसाइट्स होता है। आज हम मेलानोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेलानोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, हमारे जो मेलानिन है वो कितने टाइप के होते हैं। मेलानिन गिव्स कलर पिगमेंट्स टू हेयर आईज स्किन, हेयर आईज स्किन को जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे मेलानिन ही प्रोड्यूस करता है। मेलानिन हमारे कितने होते हैं, हम मेलानिन हमारे ट्यू मेलानिन होता है। यू मेलानिन हमारे इंडियंस एंड निग्रो हेयर्स में या स्किन में होता है, जैसे कि जो हमारे इंडियन के जो हेयर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो उन हेयर में हमारा क्या होते हैं, यू मेलानिन होता है। फ्यू मेलानिन हमारा यूरोपियन हेयर्स यानी कि जो अंग्रेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं और जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लैक की साइड भी होते हैं, उनमें हमारा फ्यू मेलानिन होता है। यू मेलानिन इसमें हायर मेलानिन होता है यानी कि इसमें पिगमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स में रेड ब्लू येलो पिगमेंट्स होते हैं, तो इसमें हायर पिगमेंट होते हैं और इसमें हमारे लेस पिगमेंट होते हैं। ये हमारे हेयर स्किन और आइज में हमारे जैसे कि ब्लैक और ब्राउन जो मिलेंगे वो यू मेलानिन में मिलेंगे। अगर हमारे हेयर स्किन और आइज में रेड ब्राउन और ऑरेंज कलर मिलता है तो वो हमारा फ्यू मेलानिन होता है। बेसिकली जो हमारे डार्कर स्किन होती है या डार्कर हेयर होते हैं वो हमारे यू मेलानिन होते हैं। जो हमारे लाइट हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं या फेयर स्किन होती है वो हमारे फ्यू मेलानिन होते हैं।